और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शेफ फातिमा में। आज हम बनाएंगे बिना फूड कलर, बिना मावे और बिना दूध की केमामी सेवइयाँ, जिसे हम सूखी सेवइयाँ भी कहते हैं। इसमें दूध और मावा नहीं है, इसलिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा फूड है। आप इसे फ्रिज में 10 दिन तक स्टोर करके भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं केमामी सेवइयाँ। केमामी सेवइयाँ बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बारीक सेवइयाँ, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद हम इसे कप में मेजर करेंगे तो ये 3.5 कप है। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, इसे भी मैंने क्रश करके इसका बारीक पाउडर बना लिया है। 30 बादाम, इसे हाफ में कट कर लेंगे। 20 काजू, इसे भी मैंने हाफ में कट कर लिया है। और 1/4 कप किशमिश, 1 कप चीनी, 1/3 कप देसी घी। तो चलिए बनाते हैं। अब हम एक पैन गरम करेंगे। पैन गरम करने के बाद हम इसमें घी डालेंगे। जब घी हमारा गरम हो जाए तो हम इसमें काजू डालेंगे। अब इसमें बादाम डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक, हल्का सा कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे। इस तरह से हल्का सा ऐसे ब्राउन करना है। ये ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश को हम लेट ही डालते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। इसे भी हम सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए ही करेंगे। बस ये हो गया है, देखिए। इसी स्टेज पे हम अपने ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम अपनी सेवइयाँ फ्राई करेंगे। इसे हम डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है हमें, और ये सारा प्रोसेस धीमी आंच पर ही करना है हमें। ये देखिए, हमारी सेवइयाँ अच्छे से भुन चुकी हैं। ये लगातार भुनते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं, और 10 मिनट में हमारी सारी सेवइयाँ अच्छे से भुन चुकी हैं। सेवइयाँ हमें अच्छे से इसलिए भी भुननी है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और कलर भी अच्छा आए। कलर अगर अच्छा आएगा तो हमारी सेवइयों में हमें फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें इलायची डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें हम 3.5 कप पानी डालेंगे। और अब हम इसके ऊपर अपनी चीनी डालेंगे इस तरीके से। और इसी के ऊपर हम अपने ड्राई फ्रूट्स की लेयर लगाएंगे। और इसे ढककर स्लो फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट के लिए रहने देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी पानी थोड़ा सा है और मेरी सेवइयाँ गल गई हैं, तो मैं हल्का सा फ्लेम इसका हाई करूँगी ताकि इसका पानी सूख जाए। अगर सेवइयाँ आपकी नहीं गलती हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, अगर नहीं गलती हैं तो आप उसे स्लो फ्लेम पर ही सूखने दें पानी। चीनी आप अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इससे कम भी। ये देखिए, पानी सूख चुका है, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, सेवइयाँ हमारी रेडी हैं।
अब हम इसे सर्विंग के लिए निकालेंगे। ये ठंडी होने के बाद जो ये हल्का फुल्का भी चिपका हुआ है ना, ये भी नहीं चिपका हुआ रहेगा, तो ये ठंडी होने के बाद और भी अच्छी लगती है। हमारी केमामी सेवैयाँ रेडी हैं। आप इसे किसी भी ओकेशन पर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगती हैं। स्पेशली ये ईद पर बनाई जाने वाली रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।